हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूक्लियन एजुकेशन। आज ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और यहां हम डिस्कस करेंगे उन कंपाउंड्स के कन्वर्जन जो आप अलग अलग यूनिट्स में पढ़ते हो, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एमाइंस। मतलब ये सारे कंपाउंड्स के कन्वर्जन, वो भी सिंपल ट्रिक से, कुछ ही मिनट में आज आप सीखने वाले हो। सो लेट्स बिगिन। तो पहला कन्वर्जन ट्रिक नंबर 2 का, कन्वर्जन नंबर 1, डिसेंट ऑफ सीरीज। मतलब यहां पर हम लोगों को लार्जर नंबर ऑफ कार्बन की चेन को स्मॉलर नंबर ऑफ कार्बन की चेन में कन्वर्ट करना है, कार्बन चेन को शॉर्ट करना है। और ध्यान रहा, यहां पर हम लोग सब कुछ कवर करने वाले हैं, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कोहल और एमाइंस, तो एक साथ सब कुछ कवर होगा बहुत सिंपल मेथड से। शुरुआत करूंगा मैं RCH2CHO से, ये एक एल्डिहाइड है। सबसे पहले आपको जब सीरीज शॉर्ट करना हो, कार्बन चेन को शॉर्ट करना हो, तो पहले एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर दो। ऑक्सीडेशन करने के लिए आप टॉलेंस ले सकते हो, आप फैलिंग ले सकते हो, इट इज वेरी सिंपल। तो आपने ऑक्सीडेशन करा, और जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा, तो दिस ऑक्सीजन कंबाइन विद दिस CHO, तो यहां बन जाएगा RCH2 देन COOH, तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। टॉलेंस या फैलिंग किसी का भी यूज कर लिया, और ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का जब हम फर्दर, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम लोग अमोनिया के साथ हीट करते हैं, तो यार होता ये है कि अमोनिया का मतलब होता है NH3, दैट इज NH2.H, दिस हाइड्रोजन कंबाइन विद दिस OH, और यहां पर H2O निकल जाएगा। आप हीट करना, हीट का सिंबल लगाना जरूरी है, ध्यान रखना, वरना अमोनियम सॉल्ट बन जाता है। हीट करोगे फिर फाइनली यहां पर बन जाएगा RCH2CO, इधर बच रहा है और यहां का NH2 आ जाएगा, एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज एमाइड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं एमाइड, दिस कंपाउंड इज नोन एज एमाइड। और जब एमाइड बन गया तो इसका Br2 और KOH से रिएक्शन करेंगे, हॉफमैन ब्रोम एमाइड रिएक्शन होता है, वेयर एमाइड कन्वर्ट इंटू एमाइन विथ वन कार्बन लेस, CO निकल जाएगा, जहां पे एमाइड जो है वो एमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को, इस रिएक्शन को डिटेल में देखना है, तो आप मेरे रिवीजन सीरीज लास्ट ईयर वाले में एमाइंस के चैप्टर का रिवीजन करवाया था, उसमें आप देख सकते हो। फिर फाइनली RCH2NH2 बन गया, दैट इज एमाइन, ये बन गया है हमारे पास एमाइन। और एमाइन बनने के बाद हम इसका रिएक्शन करते हैं नाइट्रस एसिड से, दैट इज HNO2, जिसे आप लोग HONO करके लिख दो, चलेगा। दिस ऑक्सीजन विद दीज टू हाइड्रोजन विल फॉर्म H2O, देन दिस नाइट्रोजन विद दिस नाइट्रोजन विल फॉर्म N2, और अब बच रहा है हमारे पास RCH2 बच रहा है, और इधर बच रहा है OH, एल्कोहल। एक बार एल्कोहल बन गया, फिर एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडाइज कर लो, ध्यान रहे ये ट्रिक चल रही है, यहां से हम लोगों को कुछ कुछ चीजें बहुत काम की यूज करना है। फिर एल्कोहल का जब हमने फर्दर ऑक्सीडेशन करा, तो एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करने के लिए PCC ले लो यार, बेस्ट है, पाइरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। जब आप ऑक्सीडेशन करते हो तो एल्कोहल में से ये H2O माइनस हो जाता है, फाइनली एल्कोहल का बचेगा क्या, तो एल्कोहल का बचेगा RCHO। तो यहां पर एल्कोहल का बच जाएगा RCHO। आई होप आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही हो। तो RCHO बन गया। अब अगर आपको, मान लो आप इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कर देते हो, तो ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन इट विल अगेन गिव्स CHO विद दिस ऑक्सीजन, ये बना देगा RCOOH। और अगर आपने इसको फिर से अमोनिया के साथ हीट कर दिया, मतलब यही सारी स्टेप्स रिपीट हो रही हैं, अगर आपने फिर से इसको अमोनिया के साथ हीट कर दिया, तो यहां पर बन जाएगा एमाइड, दैट इज RCONH2। और एमाइड को, एमाइड बन गया, एमाइड का ब्रोमामाइड रिएक्शन करोगे, Br2 एंड KOH, तो ये बन जाएगा एमाइन, दैट इज RNH2। और एमाइन का, जब एमाइन बन गया, तो एमाइन का रिएक्शन HNO2 से कराओगे, HNO2, तो अगेन एमाइन का HNO2 से रिएक्शन कराओगे, तो वो बन जाएगा एल्कोहल। अब यहां पर बात ये आती है कि सर, इतने बड़े कन्वर्जन को आपने दो बार रिपीट कर दिया, मतलब यही स्टेप्स 2 times कर दी, इसका यूज क्या है? तो मैं आपको समझा रहा हूं इसका यूज क्या है, ध्यान दो। सबसे पहले यूज क्या है वो बताने के लिए मैं इनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिनोट करता हूं। इसे अल्फाबेट ए से डिनोट कर रहा हूं, कंपाउंड BCDEFGHIJ। अब अगर मान लो एग्जामिनर ने आपको क्वेश्चन दिया, नोट कर लेना क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं, अगर एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया कन्वर्ट इथाइल अल्कोहल इनटू मिथाइल अल्कोहल, इथाइल से मिथाइल बनाओ,
तो आप करना ये कि इथाइल से मिथाइल बनाना है, तो आप एक काम करो, आप यहां पे अल्कोहल दिख रहा है ये ई, यहां पे आर की जगह CH3 रख देना, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। ई से स्टार्ट करना, एफ जी एच आई और जे पर आकर रुक जाना, तो इथाइल अल्कोहल ऑटोमेटिक कन्वर्ट होता हुआ आएगा और मिथाइल अल्कोहल बना देगा। बस आपको करना इतना है कि आर की जगह जो रिक्वायर्ड कार्बन नंबर्स की रिक्वायरमेंट है वो आर की जगह पुट करो, आंसर आ जाएगा। आर की जगह CH3, फिर आर की जगह CH3 रखते जाओ और फाइनली इथाइल अल्कोहल कन्वर्ट हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल में। चलिए एक और क्वेश्चन फिर नोट करो। अगर मान लो आपसे एग्जामिनर ने बोला कन्वर्ट इथाइल एमाइन इंटू मिथाइल एमाइन, तो आप यहां से स्टार्ट करो डी से, आर की जगह CH3 फिर से पुट करो, डी से स्टार्ट करो, इथाइल एमाइन बन जाएगा CH3CH2NH2। डी से स्टार्ट करो, फिर ई पर आओ, ई से एफ जी एच आई, जैसे ही आई पर आकर रुकोगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इथाइल एमाइन इंटू मिथाइल एमाइन कंप्लीट। चलिए और क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सपोज एग्जामिनर ने बोला आपसे कन्वर्ट इथेन एमाइड इंटू मीथेन एमाइड, वेरी गुड, एक और क्वेश्चन बन गया। तो यार यहां पर करना यह है कि आर की जगह आपको एच रखना है, नॉट CH3, आर की जगह एच रखना है हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा इथेन एमाइड CH3CONH2। सी से स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट करते आते जाओ एच पर आकर रुक जाओ, सी से स्टार्ट करोगे एच पर आकर रुक जाओगे, तो ये एमाइड का कन्वर्जन भी हो गया। यार ये तो मैंने बोला ही नहीं था, देखो एमाइड भी कवर हो गया। एक और क्वेश्चन, अगर एग्जामिनर आपसे बोलता है कन्वर्ट इथेनल इंटू मीथेनल, इथेनल बोले तो आर की जगह एच रख देना, CH3CH हो जाएगा। मीथेनल बनाना है तो इससे एल्डिहाइड ए से स्टार्ट करो, बी सी डी ई और एफ पे आकर रुक जाना, आपका क्वेश्चन कंप्लीट। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि एक टेबल आपने अगर ये याद कर ली, इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो आप इससे मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बस बीच बीच में से जो चीजें नीड है वो उठाकर रख देना है उस आंसर में। तो आप इसे नोट करो, मैं इसके क्वेश्चंस भी लिख रहा हूं। ट्रिक नंबर टू में सेकंड कन्वर्जन, जिसमें हम लोग मल्टीपल क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, यहां पर हम लोगों को स्मॉलर चेन को लार्जर चेन में कन्वर्ट करना है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है। एसेंट ऑफ सीरीज या एसेंडिंग दी सीरीज कहलाता है। तो मैं यहां पर शुरुआत कर रहा हूं RCHO से, एल्डिहाइड बोला जाता है इसे, RCHO दैट इज एल्डिहाइड। अगर मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन कर रहा हूं निकल का यूज करके, तो यार तुम लोगों को पता ही है एल्डिहाइड के रिडक्शन से बनता है अल्कोहल, दैट इज प्राइमरी अल्कोहल। आपने अल्कोहल बना लिया, अब अल्कोहल बनाने के बाद हम लोग इसका रिएक्शन करा देते हैं P+I2 से। आपको यह बात पता होगी हेलो एल्केन हेलोरीन्स में और अल्कोहल फिनॉल में पढ़ा होगा कि जब भी अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस के हैलाइड से होता है तो वहां पर जो भी हैलोजन है वो OH को रिप्लेस कर देता है। तो गाइज यहां पर बन जाएगा RCH2I। अगर तुम्हें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है तो किसी भी तरह पहले गिवन कंपाउंड में हैलोजन लेकर आ जाओ। यार हैलोजन लाओगे तब जाकर उसका रिएक्शन होगा KCN से, पोटेशियम साइनाइड, देन दिस CN विल रिप्लेस दिस आयोडीन। ये CN जो है वो आयोडीन की जगह चला जाएगा और यहां पर बना देगा RCH2CN। अब CN आ गया, कार्बन बढ़ गया, काम हमारा हो गया। फाइनली अब इस कंपाउंड का करते हैं रिडक्शन बाय यूजिंग LiAlH4। आप देख सकते हो आपके पास 4 हाइड्रोजन है, आप रिडक्शन करने चले और आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 4, तो 4 में से 2 हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो और रिमेनिंग 2 इस नाइट्रोजन को दे दो, तो ये बन जाएगा RCH2। तो अपनी जगह बैठा हुआ है। अब फाइनली जब आप कार्बन को 2 हाइड्रोजन दोगे तो बन जाएगा CH2, इस नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन दोगे तो बन जाएगा NH2। तो यार ये बन चुका है एमाइन, अभी थोड़ी देर पहले बताया था एमाइन, और जैसे ही एमाइन बनेगा ये बन गया एमाइन, और जैसे ही एमाइन बनेगा इसका रिएक्शन करा देते हैं HNO2 से, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं। Then this oxygen with these two hydrogen will form H2O. This nitrogen with this nitrogen will form N2. तो यार बच क्या रहा है? बच रहा है हमारे पास RCH2CH2 और यहां से बच रहा है OH। बहुत अच्छा काम हो गया RCH2CH2OH। अब फाइनली एल्कोहल बन गया, एल्कोहल का फर्दर ऑक्सीडेशन करेंगे,
बाई यूजिंग PCC पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इन CH2Cl2। और आपने जैसे ही एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा तो आप देखते हो कि ये निकल जाएगा, टू हाइड्रोजन विद वन ऑक्सीजन, दैट इज H2। और जैसे ही H2O निकला तो यार बच क्या रहा है, RCH2, इधर बच रहा है CHO, तो ये आ जाएगा CHO, दैट इज एल्डिहाइड। बहुत सिंपल, एल्डिहाइड बन गया। और अगर एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर देता हूं मैं तो यहां बन जाएगा RCH2, ये ऑक्सीजन इस CHO को जाकर अटैक करेगा तो बन जाएगा COOH, ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। इट इज वेरी सिंपल। और एक काम और कर लेते हैं हम लोग ये बात जानते हैं कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से बनता है कार्बोक्सिलिक, दैट इज RCOH। और कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर पार्शियल रिडक्शन कर दो तो बन जाता है एल्डिहाइड। तो अब मैं इसे वन बाय वन अल्फाबेटिकल ऑर्डर से डिनोट कर रहा हूं, फिर आपको बताता हूं क्वेश्चन कैसे बनता है। ए एडेश, ये एडेश है। बी सी डी ई एफ जी एच। अब अगर मान लो आप लोगों से बोला गया, फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन में बोला गया कन्वर्ट मिथाइल मीथेनल, दैट इज एसिटल्डिहाइड, मीथेनल इनटू इथेनल। आपको मीथेनल से इथेनल बनाना है तो यार बड़ा सीधा सा लॉजिक है, आप मीथेनल है ना तो आप आर की जगह एच रख देना तो वो हो जाएगा HCHO, दैट इज मीथेनल। आर की जगह एच रख देना और स्टार्ट करना ए से, पहले आप आर की जगह एच रखोगे तो ये हो जाएगा HCHO। यहां से शुरुआत करोगे, ए से ए का रिडक्शन करोगे, बी बनेगा, बी से सी बनेगा, सी से डी ई एफ, और जैसे ही जी बनेगा आपका कंपाउंड कंप्लीट हो गया, आपका कन्वर्जन कंप्लीट हो गया, मीथेनल से इथेनल बन जाएगा। अब सपोज आप लोगों से बोला गया, सपोज आपसे बोला गया कि मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाओ, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बनाओ, तो आर की जगह एच रख दोगे तो ये हो जाएगा CH3OH। बी से स्टार्ट करना, सी पे आना, डी ई एफ पर आओगे, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, मिथाइल अल्कोहल से इथाइल अल्कोहल बन गया। तुम देख सकते हो, क्वेश्चन भी नोट करते जाओ और जो मैं बोलता जा रहा हूं वो जरूर नोट करते जाओ। अब अगर सपोज तुमसे बोला गया कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड इनटू एसिटिक एसिड, या फॉर्मिक एसिड का IUPAC नेम होता है मीथेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड, तो यार बड़ा सीधा सा लॉजिक है, फॉर्मिक एसिड बनाने के लिए आर की जगह एच रख देना और यहां से एडेश से स्टार्ट करके ए पर आना पहले, फिर बी सी डी ई एफ जी और एच पर आ गए, तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया। तो ये जो जो मैं क्वेश्चंस बोलता जा रहा हूं आप लोग जरूर नोट करते जाओ, ये आपके एग्जाम में सीधे आपको बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। अब होता क्या है, एक सिंपल सी टेबल में हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को एक टेबल में बांध कर रख दिया, जिसकी जरूरत होगी उसको वहां से उठाकर हम लोग यूज कर लेंगे, यही कन्वर्जन का लॉजिक है। आप लोग इसी अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर कन्वर्जन की ट्रिक पसंद आई है, आगे की और ट्रिक्स के साथ हम लोग आने वाले हैं आपको और वीडियोज लेकर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, शेयर करते रहें, आगे बढ़ते रहें।